मेरा वार्ड मेरी समस्या में आज हम बात करेंगे सिंधी कॉलोनी की। कोटा दक्षिण नगर निगम क्षेत्र में आने वाली ये कॉलोनी शहर के पुराने कॉलोनी की सूची में शामिल है, लेकिन पिछले 1.5-2 माह से ये कॉलोनी के जो लोग हैं वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। चंद कदम की दूरी पर विशालकाय पानी की टंकी होने के बावजूद कॉलोनी के नलों में प्रेशर नहीं आता। घंटों मोटर चलाने के बाद भी घरों में लगी हुई पानी की टंकियां नहीं भर पाती है। ऐसे में यदि कोई मेहमान अगर आ जाए तो पड़ोस से पानी उधार मांग करके या टैंकर खरीद करके काम चलाना पड़ता है। भीषण गर्मी में पानी की आवश्यकता को पूरी करने में जनप्रतिनिधि भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार कुछ दिन पहले जलदाय विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया था, उसके बाद भी विभाग ने एक टीम को भेजा, पानी की पाइपलाइन की जाँच कराई, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। बहुत समस्या है यहाँ पर, पानी नहीं आता है सुबह को, बहुत टाइम हो गया, 1-2 महीना हो गया पानी आता ही नहीं है। नल यहाँ पे 7-8 बजे आता है, फिर 10 बजे बंद हो जाता और वो भी पानी नहीं आता है। ये बनी हुई है 1-2 महीना हो गया, बहुत कम पानी आता है। मोटर चलानी पड़ती, डबल खर्चा हो रहा है। मोटर तो है ना 6-6 घंटे चलाती हूँ मैं, सुबह को 6 बजे चालू करती हूँ ना, 10-11 बजे तक भी पूरी नहीं होती है, बंद कर देती हूँ। फिर पानी की व्यवस्था किस तरह से करनी है? हम बाहर से ले लेते हैं या इनसे दूसरों से ले लेते हैं पानी, उनके वो लग रहा है ना तो उनसे, बोरिंग लग रही है तो वहाँ से ले लेते हैं। नाम बता दें आपका? रुक्मणी। पानी आता ही नहीं है, बहुत दिनों से पानी नहीं आता है। कैसे व्यवस्था करनी पड़ती है गर्मी में? बस ऐसे जो पड़ोसी से लेना पड़ता है। ये कब से बनी हुई है आपकी समस्या? को समाधान नहीं हो रहा है क्या? समाधान नहीं हो रहा है। पापा गए थे 2 बार, दो तीन बार पापा भी गए थे, पानी नहीं आया। नाम बता दो। अरविंद सिंह। पानी की बहुत समस्या है, पानी बोलते हैं 24 घंटे आएगा, लेकिन पानी अभी नहीं आता, और 2 घंटे सुबह आता है, 1 घंटा शाम को आता है। पानी की बहुत समस्या हो रही है, नहाना धोना खाना पीना सब रद्द कर रखा है इन्होंने। ये देखा जाए तो पब्लिक इतनी परेशान हो रही है, लेकिन ये क्या सोए हुए सब अधिकारी सोए हुए हैं, इनको तो पता कुछ है नहीं। हमारे बच्चे बड़े बूढ़े सब परेशान हो रहे पानी की समस्या लेकर, लाइटें भी कटौती होती रहती है, इनको तो ये होश ही नहीं है क्या किया जाए। लेकिन आगे इनको सतर्कता होनी चाहिए, बाकी वोट के टाइम तो वोट मांगने आते हैं, लेकिन जब है ना हम अपनी समस्या बताते हैं तो ये समस्या लेकर आते नहीं है, उनका निवारण करते नहीं है। नाम बताओ आप। नवीन तदवानी, सिंधी कॉलोनी। बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है सिंधी कॉलोनी में, हमारे पास में टंकियां हैं वहाँ भी, मतलब यहाँ तक तो पानी तक पहुँचता ही नहीं है, मतलब कभी भी देखते नल पानी आता ही नहीं है। हमारी बहनें भी आई थी, बहुत परेशानी हुई, बहुत पानी की गिल्लर हो गई। नाम बताया? मेरा नाम सन्नी। ये समस्या बनी हुई है क्या? ये तो हमेशा की समस्या है, और ये कुआं हमारे पास में टंकी, हम प्यासे बैठे हैं यहाँ पर, प्यासे हैं प्यासे, बाहर ये नल्ला ना हमारा यहाँ तक पानी नहीं आता है, 10 बजे के बाद बंद हो जाता है, शाम को भी नहीं आता है पानी। आदमी इतना परेशान है यहाँ पर क्या पानी के लिए, हमारे मोहल्ले वाले जो बेचारे एक दूसरे के पाइप लगा के और पानी लेते हैं। अब कार्यालय भी गए थे, हम कार्यालय भी गए थे, वहाँ भी शिकायत करके आए हैं, पर वो सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई कहाँ हुई? अभी तक हुई नहीं ना सुनवाई। सुनवाई होनी चाहिए ना, इतनी तपत गर्मी कितनी है, आदमी ऐसे कैसे चलाएगा कूलर, कैसे पानी अपने नहाएंगे हम। नाम बताया? राजकुमार थदवानी। ये सिंधी कॉलोनी है, गुमानपुरा का सेंटर, और इसी सिंधी कॉलोनी के अंदर सेंटर के अंदर एक सबसे बड़ी पानी की टंकी है, उसके बावजूद भी आज 1 महीना हो चुका है, कई बार अयन जयन यादव साहब को, मनोज जी को कई बार शिकायतें दे चुके हैं, हर बार उनको एक ही बात रहती है कि अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। आज 1 महीने से 1.5 महीना लगभग हो चुका है, कई बार आ गए, लाइनें चेक कर ली, उसके बाद भी पानी नहीं है। 3 से 4 घंटे मोटर चलाने के बाद एक पानी की टंकी ऊपर भरी जाती है, और जिसमें पानी की सप्लाई ये सुबह जो नॉर्मल थोड़ी सी स्पीड देते हैं वो भी सुबह 7 बजे चालू होती है, जो 9 बजे बंद हो जाती है। अब 3 घंटे के अंदर आदमी कितना पर्याप्त, आप खुद समझ सकते हैं कितना पानी ये दे सकते हैं। यहाँ बहुत ही किल्लत है, इस गर्मी में तो इन्होंने इतनी हद से हदें पार कर दी पानी की। राजेश कृपलानी,
पार्षद प्रत्याशी बीजेपी राजेश कृपलानी।